सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल PNCT मेरठ को और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल PNCT मेरठ में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, हमारे एक भाई हैं अश्विनी पुंडीर जी, उन्होंने एक कमेंट किया है और पहले आप वो कमेंट देख लीजिए। अश्विनी पुंडीर जी कहते हैं, भाई नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मेरे कबूतर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, वे एक दूसरे के अंडे भी फोड़ देते हैं, समाधान बताओ प्लीज़। तो अश्विनी पुंडीर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। तो दोस्तों, ये परेशानी खाली अश्विनी पुंडीर जी की नहीं है, ये परेशानी जो अधिकतर कबूतरों का शौक रखते हैं और उनके साथ ही आती है। तो दोस्तों, ये जोड़ेबाजी जो हम करते हैं ना, उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अब आप ये देख रहे हैं दोस्तों, जो मैं कबूतर उड़ाता हूँ उसका लॉफ्ट है, तो उसमें देखिए कबूतर अपने अपनी परचेस पे बैठा है। अब ये आपस में लड़ेंगे तो मुझे उससे कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ ब्रीडिंग कराता नहीं हूँ, ना तो ये मेरे अंडे फोड़ेंगे, ना ये मेरे बच्चों को मारेंगे कबूतरों के। तो दोस्त, मेरे कबूतर पालते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर कबूतरों को लड़ने से रोका कैसे जाए, जोड़े वाले कबूतरों को। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी कबूतरबाजी का शौक स्टार्ट कराया है न्यूली, और वो अपने कबूतरों के जोड़ों से बच्चे भी लेना चाहते हैं, तो उनके साथ ये बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। ये केज देख रहे हैं, मेरा लॉफ्ट है, इसी टाइप के दोस्तों के लॉफ्ट होते हैं, तो उसमें वो खाने बना लेते हैं जोड़ेबाजी के लिए। ठीक है, कुछ कुछ दोस्त क्या होता है कि उसी में उड़ने वाले कबूतर रखते हैं उसी लॉफ्ट में, और उसी में जोड़े वाले कबूतरों का पेटियाँ रख देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपके पास जगह की कमी है या आप लॉफ्ट नहीं बनाना चाहते दूसरा। सबसे बेहतर तो यही है कि दोस्तों, जोड़े वाले कबूतरों के लिए अलग लॉफ्ट बनाएं और उड़ने वाले कबूतरों के लिए अलग लॉफ्ट बनाएं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों एक अपना तजुर्बा बताता हूँ। जब मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट करी थी तो मैंने भी दोस्तों इस तरह के एक लॉफ्ट था, तो उसमें मैंने लकड़ी की पेटियाँ लगा दी थी काफ़ी सारी, तो उसमें मैं जोड़े वाले कबूतर रखता था। मैं एक पेटी दिखाता हूँ जो मेरे जिसमें ब्रीडिंग कराता था। हमें अब करना क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आप मेरा पेटी देख रहे होंगे, ब्रीडिंग पेटी, पहले मैं इसी में ब्रीड कराता था। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, हम ये पेटी अपने लॉफ्ट में भी रख लेते हैं और ये हम अपनी खुली छत पर भी रख देते हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये है कि आप जब भी पेटी बनवाएं तो दोस्तों उसमें दरवाज़ा होना चाहिए, हर खाने का अलग दरवाज़ा हो तो और अच्छा है, नहीं तो आप पूरे एक खानों का एक ही दरवाज़ा बनवा सकते हैं। अब ये मेरे चार खाने की पेटी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं करता क्या था, पहले मैं आपको बता देता हूँ अपनी, कि मैंने ये पेटी अपने लॉफ्ट में रख दी सारी पेटी। ठीक है, तो ये इस तरह इनके मैं दरवाजे खोल देता था और जोड़े वाले कबूतर अपनी मर्जी से किसी भी खाने में जाते थे, जहाँ भी उन्होंने खाना सेट करना था कर लिया। अब क्या होता था कि जोड़े वालों ने अंडा दे दिए, तो मैं पूरे दिन मेरे जोड़े वाले कबूतर खुले रहते थे, ये पेटी का मुंह भी खुला रहता था और लॉफ्ट में मेरे जोड़े वाले कबूतर फुल डे खुले रहते थे। अब होता क्या था कि मान लीजिए इस खाने के जोड़े ने अंडा दे दिया, इस वाले ने नहीं दिया, तो क्या होता था, इसका नर इस खाने में घुस के वो उसके अंडे तोड़ देता था। मतलब दोस्तों, मेरे जोड़े वाले कबूतरों के अंडे हमेशा फूटे ही मिलते थे मुझे शाम को, मैं बहुत परेशान रहता था। ठीक है, फिर मुझे धीरे धीरे दोस्तों पता पड़ा कि आखिर जोड़े वालों से हम कबूतरों के बच्चे कैसे पलवा सकते हैं या कैसे उनको लड़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब पेयर अपने ब्रीडिंग में होता है तो बड़ा अग्रेसिव होता है और उसके खाने में कोई भी अगर दूसरा आ जाए तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, और बहुत से नर तो इतने अग्रेसिव होते हैं कि इस खाने को भी पकड़ेंगे, उसके इस खाने को भी पकड़ेंगे, इस खाने को भी पकड़ेंगे, उस खाने को भी, यानी चारों खानों पर अपना राज करने की कोशिश करेंगे, भैया चारों मादी मेरी हैं। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों पर दोस्तों ध्यान नहीं देंगे तो हमारे कबूतरों के अंडे फूटेंगे या आपस में लड़ेंगे। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोस्तों खानों में अपने जोड़े वाले कबूतर सेट कर लीजिए, एक एक खाने में एक एक जोड़ा सेट कर लिया। ठीक है, अब मान लिया आपके जोड़े वाले कबूतरों ने दोस्तों अंडे रख दिए, जिस दिन दोस्तों कबूतर अंडे रख दें उस दिन से दोस्तों आपको जोड़े वाले कबूतर अलग खोलने हैं और उड़ने वाले कबूतर अलग खोलने हैं, यानी टाइमिंग दोनों की अलग कर देनी है। जब जोड़े वाले खोलें तो आप उड़ने वाले नहीं खोलेंगे, जब उड़ने वाले खोलें तो आप जोड़े वाले नहीं खोलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ जोड़े वाले कबूतर अपने दो टाइम खोलने हैं, सुबह और शाम, और खोलना कितनी कितनी देर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कबूतरों ने अंडे रख दिए, आपने दोस्तों कबूतरों को जोड़े वालों को खोला, अपने सामने ही खोलना दोस्तों। खोलने के बाद आप थोड़ी देर खड़े रहिए, वो खुलेंगे, तुरंत दाना खाएंगे, पानी पिएंगे, जैसे ही आपको देखेगा उन्होंने दाना और पानी पेट भर के पी लिया है, तुरंत दोस्तों जोड़े वाले कबूतरों को बंद कर दीजिए।
तुरंत अपने अपने खानों में फटाफट उन्हें इस तरह बंद कर दीजिए, ठीक है। अब शाम को ही दोस्तों जोड़े वाले कबूतर खोलने हैं, वो पूरे दिन अपना अंडा सेकेंगे मस्ती से, कोई इशू नहीं। आपके अंडे भी ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो भी दोस्तों बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि कबूतर और दोनों जोड़ा अंडे ही सेकेगा फुल डे। अब आपको शाम को ही ऐसे करना है, शाम को जोड़े वाले कबूतर फिर खोल लें जिन्होंने अंडे रख रखे। जोड़े वाले कबूतर बाहर आएंगे, तुरंत दाना खाएंगे, पानी पियेंगे, और जैसे उन्हें आपको लगेगा उन्होंने दाना पानी भरपेट पी लिया है और दाना खा लिया है, तुरंत आप उन्हें फिर से बंद कर दें। तो ये तो आपको दोस्तों जब तक अंडे सेक रहे करना है। अब दोस्तों आपके जोड़े वालों ने निकाल लिए बच्चे, फिर आपको करना ये है उसी टाइम पर दोस्तों जोड़े वाले कबूतर को खोलना है। अब क्या होगा दोस्तों, जोड़े वाले कबूतर जैसे ही खुलेंगे, क्योंकि आपने पहले उन्हें आदत डाल रखी है कि भाई उन्हें पता है यार मेरा मालिक बस इतनी देर खोलेगा और मुझे दाना खिलाएगा, बस पानी पीने के बाद मुझे फ़ौरन बंद कर देगा, तो क्या करेंगे आपके जोड़े वाले कबूतर बाहर आएंगे फ़ौरन, फटाफट दाना चुएंगे, फटाफट सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे। आपको खड़े रहना है, वहीं गौर करना है कि जोड़े वाले ने अपने बच्चे को दाना खिला दिया और ख़ुद भी अपना दाना चुंग लिया, बच्चे को भी पानी पिला दिया और ख़ुद भी पानी पी लिया। तुरंत आप फिर से जोड़े वाले कबूतर को दोस्तों खाने में बंद कर दीजिए। उसी तरह दोस्तों आपको शाम को ये चीज़ करनी है। तो ये आदत दोस्तों आपने आपको जोड़े वाले कबूतरों में डालनी ही है कि सिर्फ दो टाइम खोलना उन्हें, फालतू दोस्तों टाइम देना नहीं है जोड़े वाले कबूतरों को बिल्कुल भी। आपको अपने जोड़े वाले कबूतरों से बच्चे अच्छे और तंदुरुस्त पलवाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ अश्विनी पुंडीर जी आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपके ब्रीडिंग लॉफ्ट में जिन पेटियों के आगे दरवाज़ा नहीं है तो सबसे पहले आप उन्हें दरवाज़ा लगा लीजिए और जो मैंने बताया उस तरह आप फॉलो कीजिए, तो आपके कबूतर जोड़े वाले कबूतर आपस में लड़ेंगे भी नहीं, ठीक है, और अपना मस्ती से आपके बच्चे भी अच्छी तरह पालेंगे। क्योंकि होता यह है कि जब हम जोड़े वाले कबूतरों को फालतू घूमने देते हैं या फालतू टाइम देते हैं तो वो मस्ती में आता है, कबूतरी को दौड़ाएगा कि अंडे रख, और दोस्तों जहाँ कबूतरी ने मान लीजिए बच्चे इतने छोटे छोटे हैं और जहाँ कबूतरी ने अंडे रख दिए दोस्तों वो बच्चे पालेगी नहीं, क्योंकि नर तो पालेगा नहीं खुद और ना कबूतरी को पालने देगा। तो इसलिए दोस्तों बस जोड़े वाले कबूतरों को उतना ही टाइम दीजिए कि जितना उनको ज़रूरत हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपका उसका नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच सके। जिन दोस्तों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।